सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो विरासत टीवी। मैं हाँ गुरसेख फतेह। प्रोग्राम दृष्टिकोण दे विच तुहाडा सब दा निघा स्वागत। दृष्टिकोण दे विच अक्सर आपां चर्चा करदे हां जी उन्हां खबरां उपर जिहड़ियां मुद्दियां दे रूप में सामने आउंदियां ने, जां कहीए तां उन्हां मुद्दियां उपर जिहड़े खबरां दे रूप में सामने आउंदे ने। ते अक्सर मेरे नाल हुंदे ने जसविंदर याद जी, ये सब जानकारी जुटा के लैके आउंदे ने। आओ फिर खबरां ते जाण तों पहलां उन्हां नूं जी आया कहिंदे आ। जसविंदर जी, जी आया जी, शुक्रिया जसविंदर जी। गल करते हैं जी कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की जी। 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी की जी वांगडोर है जी किसी गैर गांधी के हाथों से गई है। खड़गे साहब चुने गए ने जी, किवें हो निबड़ी जी ये सारी चोण? देखो जेकर असी इस चोण की गल करिए मल्लिकार्जुन खड़गे जिहड़े इस चोण दे विच जेतू करार होए ने। मैं एक गल कह देवां कि असी जदों पेपर भरे जाते जी, जिस दिन चोण हुई सी ते जदों चोण की इजाजत की गल भी चलती सी, अशोक गहलोत जिहड़े राजस्थान तो मुख्यमंत्री सी उन्होंने भी एक बारी इजाजत मंगी सी। मैं उस वक्त ही कह रहा सी कि ये एक वड्डे आगू ने खड़गे साहब, इन्हां दी जित है जिहड़ी वो यकीनी होगी जी। जेकर मैं गल करा जग जीवन राम तो बाद जेकर कोई दलित आगू वड्डा है कांग्रेस दे विच तां वो खड़गे साहब ने। 1973 दे विच ये कांग्रेस नूं ज्वाइन करदे ने, जां कह लईए कांग्रेस विच शामिल हुंदे ने। 9 वार दे विधायक ने, 2 वार दे इह लोक सभा दे मैंबर ने, 1 वार ये राज सभा लई चुने गए ने, ते नाल दी नाल विरोधी धिर दे इह नेता भी जी सी राज सभा दे विच जी। उत्थों इन्होंने अस्तीफा दिता ते ये चोण है जिहड़ी उन्होंने लड़ी आ। 137 साल बाद ये 6वीं चोण सी, जेकर मैं कह देवां 137 साल दे विच ये 6वीं चोण सी, ते 24 साल बाद जाके एक बारी ये फिर चोण है जिहड़ी वो 2.5 दहाकों बाद हुई सी जी। जिवें तुसीं कह दिता कि गांधी परिवार तो पहली बार ये कुर्सी बाहर गई है, पहली बार नहीं गई। जेकर मैं गल करां तां सीताराम केसरी कोल भी एक बारी ये जिहड़ी गद्दी सी गई सी, पर 1998 दे विच बिना किसी कारण तो गैर तरीके दे नाल बिना किसी कांग्रेस के सिद्धांत तो उन्होंने पासे कर दिता गया सी, ते मैडम सोनिया गांधी जी इस गद्दी उत्ते विराजमान हो गए सी जी। हुण असी देखिया कि 2 इलैक्शन 14 वाला ते 14 तो बाद 19 वाला केंद्र दे विच किस तरीके दे हालात जिहड़े बने ने कांग्रेस दे, फिर स्टेटां विच किवें कांग्रेस है जिहड़ी ओह लटकन लग पई है जी। चलो इस चोण दी जेकर गल करिए तां मैं कहा सी कि इस चोण दे विच शशि थरूर जी अक्सर कह रहे सी कि टैलीफोन किए जा रहे ने खड़के साहब के पक्ष के विच जी। चलो वो टैलीफोन भी होए, चोण भी हो गई, 9300 कुछ जिहड़ियां वोटां है, 9385 वोटां कुल पोल हुई है ये विच। पर जेकर गल करिए शशि थरूर की तो 1073 वोटां पैंदियां ने, ते जेकर असी गल करिए खड़गे साहब की तो 7897 वोटां पैंदियां ने। जेकर गल करिए अजोग वोटां की तो 416 का अंकड़ा साढ़े सामने पिया है कि 416 वोटां अजोग रही ने, कहने का भाव कि कैंसल हो गई ने जी। मैं ना इस इलैक्शन एक वक्रे तौर पर भी वेख्या भी ये तो सूझवान लोगों ने वोट पानी सी जी, इन्हों डेलीगेट्स ने वोट पानी सी। 416 की जेकर असी परसेंटेज कर कढ़ते हैं तो 4.5% हो जाता है, कहने का भाव कि इन्हों के डेलीगेट के भी 4.5% लोगों वोट नहीं पानी आती जी। अगली गल 84% पोलिंग हुई है, तो यह भी बड़ी खूबसूरत गल है कि जेकर 84% पोलिंग हुई है तो 16% वोट जी पोलिंग नहीं हुई, 4-5% वोट इनकी खराब हुई है, 20% जेडे ये आगू ने उन्होंने वोट या तो पानी नहीं आती जो वोट पा के नहीं खुश जी। लोकतंत्र की एक ये भी तस्वीर सामने साढ़े आती है, 26 तरीक न चाहे वह रस्मी तौर के उत्ते इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। पर जेकर मैं शशि थरूर जी का एंगल भी देखा जी, उन्होंने एक जेडे इन चोन कंपेन चलती सी, चोन के अधिकारी कह दीए मिस्त्री साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दे विच, तेलंगाना दे विच, ते पंजाब दे विच गैर तरीके दे नाल वोटिंग हुई है, बहुत वड्डियां धांधलियां हुई हैं, गंभीर दोष उन्होंने लाए ने, खास करके उन्होंने जिहड़े एजेंट सी सलमान सोज उन्होंने ये जिहड़े खुलासे किए ने। पर उन्होंने जिहड़ी खूबसूरत गल कही है वह यह है कि हो सकता खड़गे साहब नूं इस गल का पता ना होवे
ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲੀਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਡਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੁਕਤਾ ਦਰ ਨੁਕਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ, ਔਖਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 1072 ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ TV ਚੈਨਲ ਐਂਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ CIA ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 24 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ CI ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਘੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਖਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 'ਚ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਹਰ ਗੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਕੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
मीडिया की कह रहा सी उन्होंने तो जी फर्जी पासपोर्ट बना लिया जी, वो बाहर चले गए ने जी, वो जिस एयरपोर्ट तो मुंबई एयरपोर्ट तो उन्होंने जी महिला मित्र तजिंदर कौर जी का संबंध लुधियाने के नाल है वह फड़ी गई है, वह उतों ही गए ने जी, उस ही रास्ते वह बाहर गए ने। पर आ की निकल के आया, ये राजस्थान निकल आया। तुसी किस तरीके दे नाल, एक बड़ा खूबसूरत शब्द मिलिया है मीडिया दे विच, सूत्र जी, इनू वरतो ते अपने मन दीआं भावनावां कह दिओ, क्योंकि तुहानूं कोई पुछण वाला नहीं। वो असल च सूत्र नहीं ना हुंदे जी, किसी की काल्पनिकता हुंदी हैगी। बिल्कुल काल्पनिकता हुंदी है, पर उसनूं सूत्र दे नाल नाल पेश कर दिओ जी। जो कि पुछूगा तो सूत्र कहिंदा गल कहिंदा मैं नहीं दसदा, असीं अगे तो भी इनफॉर्मेशन लैणी हुंदी है। मैं कहना नहीं, इस तरीके ना नहीं करना चाहिए। दो गल्लां जिहड़ियां उह शक दे घेरे विच है, एक इस केस दे विच हुण तक दिल्ली पुलिस की वड्डी भूमिका ते पंजाब पुलिस की छोटी भूमिका, ते नाल दी नाल प्रेस जिस तरीके का इस दे विच अपना रोल अदा कर रही है, क्योंकि तुसीं सारे जाणदे हो कि सिद्धू मूसेवाले नूं चाहुण वालिआं की गिणती बहुत वड्डी है, ते यूट्यूब उत्ते जिहड़े उहदे फॉलोअर है उसदे इस संसार तों कूच करन तों बाद होर भी वध गए ने। ता करके मीडिया अपने व्यू के चक्कर खास करके सोशल मीडिया जी, वह व्यू के चक्कर पता कि ढेर सारे प्रशंसक ने, तो जिते असी सिद्धू मूसेवाला लिखता वह नाल दी नाल साडी खबर ते आउणगे, सानू बहुत ज़्यादा जिहड़े व्यूअर मिल जाएंगे। की है इस दे नाल जिथे आप कह दीए कि एक इनवैसटीगेशन है जी, उहदा भी ट्रैक है जिहड़ा उह कराही चला जांदा है जी। एक तुसी ध्यान भड़का दिंदे हो जिस ट्रैक ते पुलिस काम करती है, उस दे अगे एक होर एंगल खड़ा कर दिंदे हो कि ऐ करके बाहर चले गए, तो उहदी जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी पावर है उह तां तुसी डाइवर्ट कर दी। इहदे उत्ते मीडिया का रोल है जिहड़ा उह प्रशंसाजनक नहीं रहा, मैं निंदा नहीं करता, प्रशंसाजनक नहीं रहा, उन्होंने अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी उस तरीके नाल नहीं निभाई। तो पंजाब पुलिस की असी गल पहले ही कर चुके हैं कि जिस तरीके दे नाल गौरव तूरा जी दस रहे हैं असी उत्थे सीगे, हर केस तो बाद कह देना असी उत्थे सीगे, लोग किते ना किते मूँह चुंगल पा के सोचते ने जी। गल हुण विजिलेंस की कर लैंदे हां जी, विजिलेंस के डायरैक्टर वरिंदर कुमार जी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं मिल के आए ने जी, कहिंदे कुछ मंगां रख के आए ने, सुनिया कुछ उन्हां नूं अड़िक्के महसूस हो रहे ने जी, की कुछ निकल के सामने आ रहा है? देखो विजिलेंस दे जिहड़े डायरैक्टर ने वरिंदर कुमार बड़े इमानदार अफसर ने जी, वह मिल के आए ने मान साहब नूं, कहा जा रहा कि मुख्यमंत्री साहब ने आप बुलाया सी उन्हां नूं, सुंदर शाम अरोड़ा दे केस विच जिस तरीके की सफलता उन्होंने मिली है, तो नाल वो अफसर साहबान भी गए सी जिन्हां ने इस ट्रैप दे विच जा कह लो कि जिन्हां दे नाल ये 50 लाख रुपए का देन लैन वो कार दे विच करदा सी जीरकपुर जी, उन्होंने शाबाशी दिती है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो कुछ तुहानू चाहिए होगा वह तुहानू दिता जाऊगा, तो ऐन सुभा जा वेख के मुख्यमंत्री साहब का कि अज बागो बाग ने, तो जिहड़े वरिंदर कुमार ने उन्होंने कह दिता कि साढ़े कोले नफरी बहुत घट है जी जी, क्योंकि जिमें असी देख रहे हैं विजिलेंस कोले केस जा रहे ने, उस हिसाब दे नाल तां किते ना होवे कि पंजाब पुलिस छोटी रह जाए तो विजिलेंस नूं ज़्यादा ज़्यादा नफरी देनी पवे, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा वापर रहा है जी। मैं कहूँगा क्योंकि नवा नहीं वापर रहा, बैकलॉग ही इन्ना पिया सीगा जी, मुख्यमंत्रियों ने उस समय दीआं सरकारां ने इजाजत ही नहीं दित्ती, हुण इजाजत मिली है बहुते केसां दे विच। एक उन्होंने गल होर जिहड़ी उत्थे कही है ये साढ़े कोले निकल के आई है, उन्होंने मुख्यमंत्री साहब जी नूं कहा कि सानू ना जी बहुते महकमे इजाजत नहीं दिंदे जी। देखो जिन्ना चिर महकमे का मुखी जां उहदा सकत्तर इजाजत नहीं दिंदा उन्ना चिर वह कार्रवाई अगे नहीं तोरी जा सकती जी। इहदे विच जेकर असीं गल करिए जंगलात महकमे की, उहदे विच किन्नी कार्रवाई है जिहड़ी इसे गल करके रुकी हुई है कि उत्थे जिहड़े अफसरां दे नाम विच बोलदे ने उहदे विच जंगलात महकमा जिहड़ा वह इजाजत नहीं दे रहा। जेकर मैं गल करां तां कहिंदे 12 डिपार्टमेंट इदां दे आ जी जिहड़े इजाजत नहीं दे रहे, ते जिहड़े पंजाब दे मुख सकत्तर ने वी के जंजुगा साहब उन्होंने इहदे विच पहलकदमी की है। 21 तरीक नूं उन्होंने मीटिंग सद्दी है जी, मीटिंग विच उन्होंने कहा कि जिन्हें भी डिपार्टमेंट ने उन्हां दे सकत्तर साहबान इस मीटिंग विच शिरकत करन ते अपनी गल रखन कि क्यों नहीं वह इजाजत दे रहे, कि अड़िके नहीं। 12 महकमे बहुत वड्डे ने, पर इहदे विच आबकारी कर जिहनूं असीं कहिंदे आ ते नाल दी नाल जंगलात जी, आबकारी दे विच ना अज तों 2 साल पहलां जी एक टैक्स की चोरी फड़ी गई सी जिहदी इजाजत मंगी गई सी, जिहदे विच देखो दलाल भी फड़ ले
उस टैक्स चोरी दे विच कुछ अफसरों बारे भी उहदे विच जिहड़ा ना बोलिया पर उस आबकारी ने टैक्स विभाग ने इजाजत नहीं दित्ती जी, उस करके वह केस आ जिहड़ा वह लमकिया पिया। जेकर असीं जगलात की गल करिए इहदे विच भी इजाजत नहीं मिल रही। साधु सिंह धर्मसूद, संगत सिंह गिलजियां, दलजीत सिंह गिलजियां, ये सारे नां ने पर इजाजत नहीं मिल रही जिहड़े अधिकारियों के नाल बोलते हैं। ये नाल की हो रहा है, ये जिहड़े केस ने वह कमजोर पैणगे, कोर्ट के पक्ष कमजोर पेगा। तो जेकर कहिंदे इधर जगलात के सकत्र साहब नूं पुछया गया, क्योंकि वरिंदर कुमार जी जी लगातार कह रहे हैं कि मैं लगातार चिट्ठी पत्र के राही उन्हां तों इजाजत मंग रहा है जी, पर जगलात डिपार्टमेंट मैनू इजाजत नहीं दे रहा, विजिलेंस नूं इजाजत नहीं दे रहा। वह की कह रहे ने, कहिंदे जी जिहड़े आदमी ने यह केस जी कराए ने, जां कह दईए कि जो इस टकराव दे विच है उसकी साढ़े नाल बनती नहीं जी, उस दी जगलात डिपार्टमेंट नाल बनती नहीं, 36 का अंकड़ है, ता करके असी इजाजत नहीं दे रहे। दो गल्लां इहदे विच, जेकर मैं तुहाडे उत्ते झूठा दोष लावां जी, तुसी जेकर दोष तों भजोगे तां तुसी झूठे होवोगे। जेकर तुसी कहोगे वी कराओ जांच है, जे तुसी सच्चे होवोगे तां ऑटोमैटिक बच जाओगे, तो उस बंदे की नीवी पौगी जी। मैं तां कहिंदा सकत्र साहब नूं इजाजत देनी चाहीदी है, जो बंदा झूठा टकरार है लै रहा जगलात महकमे के नाल, तो दुध दुध ते पानी का पानी कर दिओ, उस तो बाद माणहानि का केस करो कि तुसी जगलात डिपार्टमेंट के उत्ते झूठे केस क्यों पा रहे हो बई जी, झूठे तरीके दी इनक्वायरियां खलाउण दे विच तुसी क्यों अपना रोल अदा कर रहे हो। नहीं, एक तरीके का अपने आप नूं रोकण की कोशिश की जा रही है। तो अगली गल, जेकर असी कहने ना कि विजिलेंस कोले बहुत ज़्यादा काम वध गया जी, विजिलेंस हुण इजाजत मंग रही है, इजाजत नहीं मिल रही। वो भाई पहला जिहड़ी विजिलेंस सी ना, वह किसी ना किसी तरीके दे नाल उस तरीके का काम नहीं करती सी जिस तरीके का काम हुण कर रही है जी। ये ना होवे कि इजाजत मिले ना, इजाजत मिलती है। जेकर कैप्टन साहब ने सिंचाई वाले उस केस दे विच 1200 करोड़ दे विच इजाजत रोक के रखी सी, सानू पता है, तां कान सिंह पन्नू कल बुलाए गए ना, उन्हां तों पुछया गया ना, चाहे दो जड़े होर उहदे विच वड्डे अफसर ने उह विदेश चले गए ने जी। मैं थोड़े नाल इह वी जानकारी सांझी कर देवां, सिंचाई वाले महकमे विच वी हले जिहड़ी इजाजत आ उह औखी मिलेगी। दो स्वदेश कौशल ते सिद्धू साहब जिहड़े ने उह विदेश की धरती ते अमेरिका दसे जा रहे ने। चलो कदों आउंदे ने किवें आउंदे ने उह वक्खरी गल है, पर मैं इत्थे गल कर रहा सी इजाजतां दी। 21 तरीक नूं वीके जंजुगा साहब मुख सकत्र पंजाब सारे डिपार्टमेंटां दे सकत्रां नूं बुलाउणगे, ते इजाजत दे लई देखदे आ किस तरीके दा दिशा निर्देश जां कह दईए कि हुक्म जारी करदे ने जी। ਭਾੜੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਓ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗਏ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਤੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 10 ਜਣ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਿੰਗ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ 24 ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ।
कुछ मित्र भी खास होंगे ने ते कुछ ना भी खास होन तो भी उन्होंने नाल बिठाना पैंदा है। इस सरकार दे उत्ते गल भी लगती है कि बहुते बंदे ना चाहते हुए भी मान साहब दी गल्लां विच दखल अंदाजी कर जाते हैं। पर मेरे को एक अंकड़ा जेकर तुसी इजाजत देवो असी कल्ली इस सरकार नूं क्यों कहीए जी, हुण तिकर जिन्नियां सरकारां आईयां उन्होंने यह भाड़े दे किराए के जिहड़े जहाज ने किवें किवें वरते ने आर टी आई का खुलासा मेरे को मैं तुहाडे नाल सांझा करदा। सब तो पहला असी देखिए कि 1997 तो लैके 21 तिकर 97 तो बाद असी तां गल कर लैने कि 97 तो पहला पंजाब जिहड़ा डिस्टर्ब रहा जी, लंबा समा जिहड़ा वह राष्ट्रपति का राज रहा। 92 विच जो इलैक्शन आउंदा है तो उस वक्त अकाली दल ने उहदा बाईकाट कर दिता सी। 95 दे विच जिहड़े मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनते ने बेअंत सिंह उन्हों का कतल हो जाता है, बंब ब्लास्ट हो जाता है जी। 97 विच दुबारे जाके इलैक्शन होंदा है तो उदों श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी रल के लड़दियां ने ते वड्डी जित प्राप्त करदियां ने। इत्थों सही पंजाब की जिहड़ी राजनीति शुरू हुंदी है, उस तो पहलां डिस्टर्ब राजनीति कहीए असीं पंजाब की जिहड़ी रही है जी। क्योंकि असीं 84 वाले दौर नूं चाहे नहीं वेख्या, साडियां उमरां 84 दे विच जन्म लैण वालियां सी, पर असीं उस नूं सुणिया वाचिया जां कह दईए कि पढ़िया तां है। 97 तो लैके 21 तिकर 24 साल बनदे ने जी, ते इह जिहड़े इहनां ने जहाजी हूटे लए ने ना 166 करोड़ 23 लख रुपये के लिए ने जी। जेकर असी गल करिए अकाली भाजपा की तो इन्होंने 119.35 करोड़ के 3 सरकारां विच झूटे लए ने जी, तो जो असी गल करते हैं कांग्रेस की 46.88 करोड़ रखियो जी, 46.88 करोड़ 2 सरकारां दे विच जिहड़ियां कैप्टन अमरिंदर दियां रहियां ते विच चरणजीत सिंह चन्नी दे 111 दिन भी रहे, इन्होंने भी जिहड़े झूठे आ उह इन्ने लै ले ने जी। हुण असी गल करदे हां कि आम आदमी पार्टी तों पुछिया गया आरटीआई पाके कि तुसी दसो भाई तुसी 6-7 महीने च किन्ने कि झूठे लै गए, तो इन्होंने वह इनफोरमेसन देन तो इनकार कर दिता आरटीआई। क्यों? सिक्योरिटी परपस जी। हालांकि पिछे जी मान साहब ने कह दिता सी कि किहदे कोले किन्नी नफरी है, किन्नी उहदे कोले सिक्योरिटी है, किड्डा उहदा काफला है, ये चीज़ है जिहड़ी नहीं दसी जाऊगी क्योंकि इहदे नाल सिक्योरिटी नूं खतरा हुंदा है। चलो खैर पता नहीं किवें पत्र है जिहड़ा उह सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी नाल संबंधित जां उस वक्त घटाई सिक्योरिटी नाल संबंधित बाहर आ जांदा है ते उस अधिकारी दे बारे हाले कोई कार्रवाई हुई है जां नहीं हुई, चलो मैं उहदे च नहीं जांदा, पर हुण इहनां ने कह दिता है कि असी ये आरटीआई विच भी इनफॉर्मेशन थोनू नहीं दे सकते जी। पर जेकर असी गल करिए कि कैप्टन ने प्राइवेट ते किन्ने खर्चे ने, तो कैप्टन ने भाई प्राइवेट ते 14 करोड़ 58 लख रुपये खर्चते ने जी, जिहदे विच सरकारी जहाज के भी ने कुछ 10 करोड़ 92 लख रुपया इन्होंने जिहड़ा सरकारी जहाज आ ठीक कराया सी, उदों तेल पानी बदलाया से अगले ने उदों लग जांदा 10 करोड़ रुपया जी। कहिंदे काफ़ी महंगा समान हुंदा भाई, खैर सानूं तां कितें पता नहीं इस गल बारे। 1995 तो पहला भी जिहड़ी साडी पंजाब दी सरकार है ये भाड़े दा हैलीकाप्टर वरतदी आ रही है। 1995 तो पहला अज रौला ना पाओ कि पंजाब सरकार ने एक हैलीकाप्टर जिहड़ा उह किराए दे उत्ते लैण दे लई एक तरीके का नोट्स मंग लिया जां कह दईए लोगों तो कोटेशन मंग रही हैं, नहीं ये ना पाओ भी कंपनियों तो कोटेशन मंगी है। 1995 तो पहला भी आए से जी। जे असी देखिए कि 95 तो 97 तिकर एक किन्ना किराया भर चुके ने, मैं हुण प्राइवेट जहाज की गल कर लग पे, 1995 तो लैके 97 तिकर 9 करोड़ 68 लख रुपया इन्होंने प्राइवेट का किराया दिता है जी। सरकार की दी सी 95 तो 97 कांग्रेस की, हुण आ जाओ तुसीं 7 तो लैके 17 तिकर जिहड़ी सरकार यह रही अकाली दल ते बीजेपी वालों की, बीजेपी का तो बेचारियों का नाँ लगता है इत्थे नहीं, मैं उन्होंने कुछ कहिंदा झूठे इहदे विच अकाली दल दे सीगे 7 तो 12 लए, फिर उन्होंने 12 तो 17 लए, उन सोचिया 25 साल झूठे लैण बारे सी जी, पर 10 साल लै गए सी जिहदे विच 97 करोड़ 81 लख रुपये के झूठे लै गए। ये सच मनोगे डेली 2 घंटे जहाज उड़ता से जी, फिर ता ही तो पता नहीं लग्या धरती ते होई कि 2 घंटे जी कितने मॉर्निंग वाली शहर तो नहीं होंदी सी बाबा जी दी? ना 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 जी, तुसी देखो 7 तो 12 तिकर 2 घंटे किवें उड्डिया, 426 गेड़े इन्होंने चंडीगढ़ तो बादल पिंड दे लाए आ जी। मैं एक बार फिर दस देवां अपने दर्शकों को 7 तो लैके 12 तिकर सिर्फ 5 साल के गेड़े की गल करदा मैं, चंडीगढ़ तो बादल पिंड गेड़े किन्ने 400
26 मारे इन्होंने। इस तो अगे आज कैप्टन साहब आ गए 2-7 तिकर इन्होंने 22,62,00,000 रुपया जोड़ा वह इस किराए के रूप के दिता है। इन्होंने एक जहाज नवा भी खरीदा 12 के जिहदा नाम सी बैल 429 38 करोड़ रुपये का खरीदया। क्यों खरीदना पै गया सी? क्योंकि पंजाब सरकार का जो अपना जहाज से ना उस तो पहला 1994 सुरिंदर नाथ साढ़े जोड़े गवर्नर से वह हादसाग्रस्त हो गए सी, उन्होंने जान चली गई सी। 94 तो बाद असी 12 जाके जहाज लेने आपका हूँ, हो सकता एक बार फिर नवा लै लैन, पर होंगे सुनते भी असी किराए वाला वरत्या नवी रीत नहीं, पर इन्हों तो उम्मीद सी कि रीतां तोड़नगे, इन्हों तो उम्मीद सी कि लोगों की गल करनगे, पर मेरे ख्याल दे नाल राह उ फड़दे ने उस तरीके दे नाल हुण इह वी जहाजां दे हूटियां वाले पासे नूं ज़्यादा मोह रखन लग पए जी। जसविंदर जी, खैर मेरे जहाजां दे जिहड़े हूटियां वाले भाड़े आए तो नहीं मेरे समझ च आए, पर मैनूं इन्ना जरूर पता भी बसां दा भाई किराया जिहड़ा भाड़ा बहुत वधिया होया, आम बंदे लई बड़ा औखा होया जी। गल करिए जी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी, जनरल इजलास होण जा रहा जी, सुरां बागी ने कुछ मैंबर काफ़ी नाराज़ चल रहे ने। ये ना पंजाबी दी एक लोक बोली है कि चक्की हुई शरीकां दी थानेदार दे बराबर बोले जी। मेरे ख्याल दे नाल कुछ ना हुण अकाली दल दे विच वापर रहा है। 9 नंबर दा जनरल इजलास है जिहदे विच नवीं चोण हुंदी है, हर साल ही हुंदी है, प्रधान चुनिया जाता है, सीनियर मीत प्रधान चुनिया जाता है, यूनियर मीत प्रधान चुनिया जाता है, 13 मैंबरां दी कमेटी चुनी जाती है जी। इस दे लई इकट्ठे हो रहे ने तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच 9 नवंबर। वैसे विरोधी कहिंदे ने कि कौन प्रधान हो, कौन मीत प्रधान हो, कौन सीनियर मीत प्रधान हो, कौन यूनियर हो, कौन सकत्तर साहब होणगे, ये सारा कुछ कहिंदे मुक्तसर जिले के एक पिंड दे विच बन के आउंदा है जी। मैं नहीं कहिंदा, ये विरोधियों की गल आ हुण तिकर कि वह गल ये कहिंदे ने, पर इस वारी स्थिति कुछ वक्री हो सकती है, क्योंकि जेकर असीं गल करिए बीबी जगीर कौर पलथ वाली जी, वह कहिंदे कि मैं भी इस वारी प्रधानगी लई अपना नाम आ जिहड़ा जनरल हाउस विच पेश करना है। उन्हां दा कहना मैनूं इन्ना नहीं चुभिया जिन्ना मैनूं लग्गिया कि हरमीत सिंह कालका जिहड़े दिल्ली दे विच प्रधान ने जी, वह कहिंदे ने कि बीबी जी खुल के बोलो, खुल के आवो, जेकर तुसीं अकाली दल दे नाल सांझ रखोगे तो उसका तुहानूं घाटा होगा, ये तुसीं जेकर बोलोगे तो चंगी गल है। दूजे पासे हरियाणे तो भी खबर आउंदी है कि बलजीत सिंह दादूवाल कहिंदे ने कि बादलों के कब्जे विच्चों इस नूं छुड़ाउणा चाहिए। नाल दी नाल जिहड़े विरोधी गुट दे विच ने जथेदार रंधावा जी वह भी अपनी गल रख रहे हैं, तो बीबी जगीर कौर कह रही कहिंदी मेरे च दसो की कमी है जी, मैं प्रधान क्यों नहीं, गुरु घर की सेवा करना मेरा हक आ, मैं इस तो पहला प्रधानगी दे अहुदे दे उत्ते सेवा कर चुकी हाँ, तो मैं ये सेवा करनी है। हुण 9 नंबर एक वड्डी गल होगी जिस दिन देखना होगा कि बादल परिवार के विच्चों किसे तरीके की कोई सहमति होंदी है, जां फिर इहदे विच ही एक बारी फिर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं मौका मिलदा रहिंदा है, जां बीबी जगीर कौर आ जांदे ने, जां फिर जिहड़ा सज्जा हत्थ आ किसे दे होर खब्बे दे मोढे दे उत्ते आ जांदा है ते कोई होर आ जूगा। 9 नंबर तकर काफ़ी जिहड़े हुण पत्रकारी विच टेवे लगणगे, असीं भी कोशिश करांगे इस गल का पता करन दी कि किहदे उत्ते जिहड़ी निगाह सवली आ श्रोमणी अकाली दल दी, ते कौन आ जिहड़ा उह बागी हो सकदा। खैर जी, जिहड़ी सेवा है मुकद्दर वाले नूं मिलदी है, तुसीं समां दित्ता जी, चर्चा कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी, शुक्रिया। तो तुसी देख रहे सी जी विरासत टीवी उपर साडा खास प्रोग्राम दृष्टिकोण। तुहानू साडा इह प्रोग्राम किवें दा लग्गिया, अपने फीडबैक्स अपने विचार जरूर सांझे कर देना जी। उड़ीक विच हुंने आ, कल फिर हाजिर होवांगे इसे ही समय किसी मुद्दे मसले जां खबर दे नाल। उदों तक लई दिओ आग्या, धन्नवाद।